हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं, वो है 66th बीपीएससी मेंस के लेके जो अभी एग्जाम में ट्रेंड है। खासकर हम लोग बात करेंगे इस लेसन में, वो है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, यानी जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2। उसमें अभी तक क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है और हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत है, और टेंटेटिव या इम्पोर्टेंट कहा जाए तो टॉपिक्स क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लें कि ये जून में, मई में एग्जाम होने वाले की संभावना जो माना जा रहा था 66 का, अभी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कोरोना फिर से जो सेकंड फेज आया बहुत ही खतरनाक, काफ़ी घातक है। ऐसे में डेट एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है, लेकिन तैयारी में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, खुद से समझिए, आपको जो टाइम मिला है इसका आप अच्छे ढंग से सदुपयोग कीजिए, क्योंकि कोरोना के समय है, अभी वक्त है, कब तक कोरोना चलेगा इसका भी कोई अभी फिक्स नहीं है। ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि इस बार ही आपको क्वालिफाई हो जाना है, क्योंकि अभी लगातार अभी समस्या शुरू होने वाला है, अब बीपीएससी में और भी आने वाले दिनों में समस्या होने वाला है वैकेंसी को लेकर, एग्जाम एक्सटेंड होगा और क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो ध्यान में रखिए कि प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे उनको जरूर अच्छा परफॉर्मेंस होगा। हम लोग देखें तो 63rd में क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन एग्रीकल्चर का उसका क्या प्रॉब्लम है, भारतीय कृषि का क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है, और जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स उसके बारे में भी पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जो आकलन है किस आधार पर किया गया है, जो रंगराजन कमेटी और भी जो कमेटी बनी है वो किस प्रकार गरीबी का आकलन किया गया है, और इसको हटाने के लिए हमारे यहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन कौन से प्रोग्राम्स कार्यक्रम चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरिया, बहुत जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक खास जगह पर ही होते हैं, इसका क्या कारण है और ये क्यों होता है, तो इससे रिलेटेड पूछा था। और फिर एक पूछा था मेजर मिनरल रिसोर्सेज। तो 63rd में जो क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा था एग्रीकल्चर से, दूसरा पूछा था पॉवर्टी से, तीसरा पूछा था इंडस्ट्री से, और चौथा पूछा था मिनरल से यानी रिसोर्सेज से, संसाधन से। क्वेश्चन चार में से आपको तीन क्वेश्चन बनाना होता है, तो आपके पास ज़्यादा चॉइस भी नहीं है, चार में से आपको तीन बनाना ही होता है। 64th में देखें तो उसी तरह से पूछा है, एक फूड सिक्योरिटी से पूछ दिया था, खाद्य सुरक्षा से, दूसरा है इंडियन इकोनॉमी और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक प्लानिंग का, जो हमारे यहाँ 5-year प्लान जो चलता है, जो चल रहा था पंचवर्षीय प्लान, उसमें किस प्रकार के हम लोग अचीवमेंट हासिल किए थे उसके बारे में था। और फिर था जो कहा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बाधक है, उससे संबंधित क्वेश्चन था। तो ये 63rd, 64th और 65th की बात करें तो 65th में पूछा था प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का किस प्रकार उत्पादन हो रहा है, उत्पादकता किस प्रकार ट्रेंड कर रहा, उस पर क्वेश्चन था। इसके बारे में था कि 1991 तक किस प्रकार का ट्रेंड था, और उसके बाद में एग्रीकल्चर में किस प्रकार इसको सुधार किया गया और इसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया, स्पेशली इन बिहार। दूसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग का रिलेवेंस, कितना इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा कारगर रहा उसके बारे में, अभी के समय कितना इकोनॉमिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है। और तीसरा है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, यानी इंडस्ट्री सेक्शंस हो गया, वो हमारे यहाँ इंडस्ट्री को बूस्ट करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। और चौथा हो गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा जो है क्या मुख्य रूप से क्या बाधक है। हम लोग इस चीज़ को अगर जो 3 साल के क्वेश्चन को समझेंगे तो उससे ये पता चलता है, एक क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर से किसी न किसी फॉर्म में रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर के आप सारे एस्पेक्ट्स को तैयार कर लेंगे, मैं बता दूंगा क्या 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 तैयार करना है। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो है वो है इंडस्ट्री, और तीसरा हो गया पॉवर्टी, गरीबी से रहता है, चौथा हम लोग गरीबी एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी एक साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है, लेकिन एक टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया, और फिर हो गया एक एनवायरमेंट और रिसोर्स संसाधन। ये 5 सेक्शन अगर आप कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सेक्शन में क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक पूछता है एग्रीकल्चर से जो कि लगभग हर साल पूछता है, दूसरा हो गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग से पूछता है, 5-year प्लान भी देख रहे हैं कि इधर रिपीट कर रहा है, और इकोनॉमिक इंडियन अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं, कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब चीज़ों को जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग को आप रिलेट कर सकते हैं। तीसरा कोई करेंट रिलेटेड इशू भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और चौथा हो गया कि वो बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछता है। हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी,
भारतीय कृषि में क्या समस्याएं हैं, क्या उनका हम समाधान कर सकते हैं, क्या सजेशन आपका है, नई तकनीक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में, उसके साथ साथ हमारा हरित क्रांति से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत सरकार के द्वारा जो क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है कृषि के उन्नति के लिए वो हो गया, और अभी जो है फार्मर्स इनकम को लेकर भी पिछले बार क्वेश्चन पूछा था 60-62 में, तो फार्मर्स इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी चूंकि ये बहुत ज़्यादा फार्म बिल को लेकर इशू चल रहा है, तो करंट सेक्शन यानी कि इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन डाल सकता है कि जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही है फार्म बिल को लेकर, समस्या चल रही है, इसका क्या वजह है, या फार्म बिल है क्या, इसका हम लोग समाधान निकाल सकते हैं। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन तो पूछा जा चुका ही है, और उसके अलावा कृषि मार्केटिंग यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग से भी क्वेश्चन होता है, फूड पार्क हो गया और मानसून पे कृषि का प्रभाव, ये सारी चीज़ें जो है आपको एग्रीकल्चर टॉपिक में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्रीकल्चर में इन सारे सेक्शन को आप जरूर देख लीजिएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, ठीक है, समस्याएं, समाधान, नई तकनीक का इस्तेमाल, हरित क्रांति, भारत सरकार के द्वारा प्रयास या कार्यक्रम जो चलाया गया है, और कृषि के मतलब यानी फार्मर्स किसानों का आमदनी को इनकम को दुगना करने के लिए क्या भारत सरकार की द्वारा योजना चलाया गया है, उसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कृषि से संबंधित जो बिल आया है वो हो गया, कृषि का मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग हम लोग कैसे करते हैं, फूड पार्क, और मानसून का हमारे कृषि पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन हम लोग देखते हैं वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है वो है एमएसएमई से संबंधित, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मतलब एक ऐसा एंटरप्राइज जिसमें कि कम पैसे लगाने पड़े और इससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिल सकता है। एमएसएमई इंडस्ट्री बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं सेटअप होता है, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्या कॉन्स्टेंट है, क्या बाधा है, उन बाधाओं को लिखिए, और उसके बाद में क्या इसका समाधान आपकी तरफ से क्या सुझाव आता है, बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है। इंडस्ट्री में मुख्यतः जो क्वेश्चन है ना वो बिहार सरकार से ही पूछा जाता है, जनरली ऐसे भारत सरकार की भी समस्या हो सकती है कि एक जगह सारे ज्योग्राफिकल एरिया में ही क्यों इंडस्ट्री है सारे, बाकी जगह क्यों नहीं, तो उसके बहुत सारे कारण है, आप उसको कारण को सब समझते हैं, उसको आराम से लिख सकते हैं। बिहार में है कि कृषि हमारी इंडस्ट्री में क्या बाधा है उसके बारे में लिखना है, और सरकार इस बाधा को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, आप अपने तरफ से क्या सजेशन दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा सेक्शन आता हुआ था पॉवर्टी। पॉवर्टी में देखें 5 साल का जो प्लान था हमारा, पंचवर्षीय प्लान है, उसमें हमारा किस प्रकार का अचीवमेंट हुआ है, तो उसको हम लोग अचीवमेंट को एक सिलसिलेवार ढंग से हर 5 साल का जो हमारे यहाँ 13 पंचवर्षीय तक चला था हमारा, उसके बाद में नीति आयोग आया था, तो पंचवर्षीय जो चला है उसमें हर 5 साल पे किस किस चीज में इम्प्रूवमेंट दिखा गया और उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं तैयार की गई, ये सब के लिए एक हाईलाइट, एक आप शॉर्ट नोट सब तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट पूछने लगा है। हमारे यहाँ भी है गरीबी का कारण क्या है, भारत सरकार के द्वारा क्या या बिहार सरकार के द्वारा गरीबों के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है उसको देख लीजिएगा। और बोला जाता है कि बिहार में गरीबी का एक मुख्य कारण है, हमारे यहाँ बाढ़ और सूखा दोनों पाया जाता है, यानी डिजास्टर को भी माना जाता है गरीबी का कारण। बीपीएल का किस तरह से एस्टिमेशन होता है, यानी हमारा गरीबी रेखा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट में एक आ जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम लोग कह सकते हैं कि जननांकीय लाभांश, हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। फिर हो गया कि हमारे यहाँ पीपल जो बिहार के लोग बहुत जगह दूसरे दूसरे राज्यों में माइग्रेंट हो गए हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या एक्शन लिया गया, क्या क्या योजनाएं स्टार्ट किया गया है। और सेंसस से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, सेंसस में जनरली ट्रेंड पूछता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारा पॉपुलेशन का, हमारा शिक्षा में किस प्रकार सुधार हुआ, इंडस्ट्री में हमारा किस प्रकार सुधार हुआ, तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक सेंसस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है पॉपुलेशन डेंसिटी को रिलेट करके। एक क्वेश्चन हो सकता है एनवायरनमेंट से पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोसिस्टम क्या है, और डिजास्टर और इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है, ये सब हमारा एनवायरनमेंट से संबंधित है। और पांचवा रिसोर्स में हम लोग पूछा जाता है कि बिहार में हमारे पास अच्छे संसाधन होने के बावजूद भी हमारा राज्य क्यों तरक्की नहीं कर रहा है, चाहे क्यों जिस लेवल तक चाहिए डेवलपमेंट उस लेवल तक नहीं पहुँच रही है। उसमें हमारे यहाँ रिसोर्सेज में है क्या, वाटर रिसोर्स है, हमारे यहाँ का सॉइल फर्टाइल है, मिनरल्स हमारे यहाँ कुछ मिलते हैं, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो लेबर पॉपुलेशन है, तो चीप लेबर हमारे यहाँ, सस्ता लेबर मिल जाता है, ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ होते हुए हमारे यहाँ संसाधन है
इसके होते हुए भी हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो हम बात के लिए, लेकिन इससे रिलेटेड जो है इसको मैं पॉइंट में लिख के मैं फेसबुक पेज जो है NSKP BPSC उस पर मैं डाल दूंगा और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो आप लोग सब इसके अनुसार एक तैयारी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं मैं इसमें दिया हूँ, आपको लगता होगा मैं बहुत ज़्यादा चीज़ बोला हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें, बस पॉइंट को उससे संबंधित जो है ना 5-6 पॉइंट जो है कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे भारतीय कृषि की समस्याएं को। अब ऐसा समस्या चुनिए जो कि मतलब ऐसा नहीं कि 10 समस्या नॉर्मल से गिनाते, मतलब ऐसा लगे कि मेन समस्या को अब गिना है जो कि इस समस्या का दूर करे तो हमारा एग्रीकल्चर का बहुत हद तक हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। तो यही था इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सेक्शन का। उसके बाद अगला हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।